अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनके एकामे पे हुरूप है या फिर जिनको एकामे पे हुरूप लगा हुआ है और वो अपना नकल कफाला यानी कि जॉब ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारा पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस कंडीशन में आप अपना हुरूप हटा सकते हैं या फिर किस कंडीशन में अगर आपका हुरूप लगा हुआ है तो आप अपना हुरूप में ही अगर लगा हुआ है तो आप अपना जॉब ट्रांसफ़र यानी कि नकल कफाला ले सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग इस तरह का मसले को यानी कि प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको मदद मिले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वीडियो को देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सब्सक्राइब रेट बहुत ही कम है, 92% लोग जो है वीडियो को देखते ज़रूर हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। अभी रात के 12 बज रहा है सऊदी में और मैं इस टाइम बैठकर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिले और आपका जो है हेल्प मिले। तो मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं वीडियो बनाने में। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ, आप देखते हैं कि क्या क्या रूल रेगुलेशन है जिसे आप फॉलो करके अपना हुरूप हटा सकते हैं या फिर जो है आप अपना नकल कफाला करवा सकते हैं। न्यूज़ है, सऊदी अरेबिया रिमूव हुरूप स्टेटस फ्रॉम एकामा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है, ये सऊदी का न्यूज़ है, ये मैं अपने मन से बकर बकर नहीं करता हूँ बाकियों की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए है 5 न्यू रूल्स हुरूप रिमूव टू हुरूप 2024। यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन इसमें बताया गया है लेकिन मैं जो जो मेन पॉइंट होता है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ हुरूप, ये छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखे हुए है रिमूव हुरूप बाई कफील, यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हमारे लिए, अगर आप अपना हुरूप हटाना चाहें कफील के साथ मिल करके तो हटा सकते हैं। एज फॉर द जबजात रूल्स द डेट ऑफ द एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट एम्प्लॉय विल बी डिसकनेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एज सून एज द हुरूप इन द रिपोर्टेड। मतलब अगर आप अपने इस कफील या स्पॉन्सर के पास से हटे हुए हैं और आपके ऊपर जो है हुरूप लगा हुआ है तो उसके लिए आपको जो है आप सबसे पहले आपको क्या करना है, देयर फॉर द करेंट कफील विल बी नॉट एबल टू रिमूव हुरूप फ्रॉम द सिस्टम द एम्प्लॉय विल बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिस्टम यानी द करेंट एम्प्लॉय डजेंट नॉट बियर एनी कंसेंस फ्रॉम दिस। यानी कि अगर आप जो है कंपनी या कफील के पास से भागे हुए हैं तो आपका जो हुरूप जो है सब सिस्टम में डाल दिया जाता है, जो आपका कंपनी या कफील होता है वो सिस्टम में अपडेट कर देता है कि ये बंदा मेरे पास से भाग गया है और भाग कोई भी है उसमें बहुत सारा कंडीशन होता है उससे सेलेक्ट करके वो आपका हुरूप लगा देता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको क्या करना है कि आपके अपने कफील के पास जा करके उससे रिक्वेस्ट करना है कि वो आपका हुरूप बता दे। अब अगर हुरूप हटा देता तो अच्छी बात है, नहीं हटाता तो उसके लिए भी मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे आप अपने हुरूप को यहाँ पे से उसके जो है हटा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं चला जाता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एकामा ट्रांसफ़र अंडर हुरूप। ये मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जिनका भी एकामे पे हुरूप लगा हुआ, तो आपका जो है कफाला हो सकता है अगर आपके ऊपर हुरूप लगा हुआ है। फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हुए एकामा ट्रांसफ़र अंडर हुरूप एज पर द न्यू रूल द एम्प्लॉयर कैन बी ट्रांसफ़र एकामा एंड रिमूव हुरूप विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द करेंट कफील विद इन 16 डेज ऑफ द बीइंग डिक्लेयर्ड एब्सेंट फ्रॉम वर्क। यानी कि जब आपका कफील आपके ऊपर हुरूप लगाता है, मेन इंपॉर्टेंट सुन लीजिए कि जब आपके कफील आपके ऊपर हुरूप लगाता है तो फिर आपका जो है कफील हुरूप लगाने के बाद 20 दिन का टाइम उसके पास होता है। अगर 20 दिन में आप उसके पास चले जाते हैं और आपका कफील आपका हुरूप हटा देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हटाता है तो फिर वो जो 20 दिन के बाद कफील भी आपका हुरूप नहीं हटा सकता है। अब आपके पास जो ट्रांसफ़र लेने का टाइम होता है वो 60 दिन के अंदर होता है, बाहर नहीं। यानी कि 60 दिन के अंदर में अगर आप अपना कफाला ले लेते हैं तो फिर जो है आपका हुरूप भी हट जाता है और आपको जो है पुराने कफील के परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये रूल है। मैं अपने मन से कोई भी पकड़ बकड़ नहीं करता, जो रूल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये ज़मीनी हकीकत है मैं आपके साथ, क्योंकि मैं सऊदी गवर्नमेंट का न्यूज़ ही पढ़ता हूँ आपके सामने, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल देता हूँ। तो 60 दिन के अंदर में अगर आप कफाला ले लेते हैं
तो ये बहुत बेहतरीन। अब कफाला लेने का जो प्रोसीजर होता है मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है क्यूआर प्लेटफॉर्म पे कैसे अपना रिक्वेस्ट लेते हैं, उस वीडियो को देखें, उससे आपको बहुत सारा मदद मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा कैसे आपको अपना जो है ट्रांसफ़र लेना है। तो जो भी भाई अगर देखना चाहें तो मेरे वीडियो में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका लिंक दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी वो वीडियो दे दूंगा, आप उसे देख करके आसानी से जो है समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्यूआर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना ट्रांसफ़र लेना है। तो ये हो गया, ये मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या न्यू अपडेट आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया कि कैसे जो है आप अपना ग्रुप ले सकते, यानी कि जो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हुए, द न्यू एम्प्लॉय विल बी सेंड द ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट थ्रू बाई क्यूआर, यानी कि सेम बात है कि जो है न्यू एम्प्लॉय आपके क्यूआर पे ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट भेजेगा। द मिनिस्ट्री अप्रूव द रिक्वेस्ट इंस्टेंट द ओ ऑफ द ओल्ड कफील, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है वो अप्रूव करेगा, ओल्ड कफील को भी एक मेल भेजेगा जिससे जो है वो उसको पता चलेगा, लेकिन कब पता चलेगा, जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अप्रूव कर देगा तब उसे नोटिफिकेशन जाता, जब वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी जब अप्रूव कर देगा तो वो भी कुछ नहीं कर पा सकता। यहाँ पर लिखा हुआ द ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मस्ट बी कम्प्लीट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द मिनिस्ट्री अप्रूव, यानी कि जिस दिन आपको मिनिस्ट्री अप्रूव करता है आपका रिक्वेस्ट, यानी कि जब आपका अप्रूव ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो होता है उसे अप्रूव कर देता है, तो 15 दिन के अंदर ही में आपको जो है कफाला ले लेना है। जब आप कफाला ले लेंगे तो फिर कफाला लेने के बाद आपका कफील कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए 15 दिन के अंदर जितना कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप अपना कफाला ले लें। जैसे ही आप कफाला ले लेंगे वैसे ही आपके जो है ओल्ड कफील है उसके पास भी नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये बंदा आपके पास से हट गया है, ये दूसरी जगह काम कर रहा है। उसके बाद लिखा हुआ इट अप्लाइज ऑन द बोथ न्यू एंड ओल्ड एब्सेंट फ्रॉम वर्क केस, यानी कि अगर आपका न्यू ग्रुप लगा है या फिर ओल्ड का यानी ग्रुप लगा हो, यानी कि मान लीजिए आपका 4-5 दिन पहले ग्रुप लगा हो या फिर 20-25 दिन पहले ग्रुप लगा हो, तो इन दोनों के लिए जो है सेम कंडीशन है, लेकिन 60 दिन के अंदर में आपको ये काम करना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर में आपको जो है ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। तो ये भी आपका जो है बहुत अच्छा अपडेट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल एग्जिट अंडर द ग्रुप, अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे आपको लॉ बताया गया कि आपको फाइनल एग्जिट किस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं द न्यू रूल्स हैव गिवन द ऑप्शन टू द एक्सपेक्ट एम्प्लॉय टू गेट फाइनल एग्जिट ड्यूरिंग ग्रुप, फाइनल एग्जिट मस्ट बी इश्यूज विद इन 16 डेज ऑफ द सेटिंग द ग्रुप, इफ़ यू गेट फाइनल एग्जिट विल यू आर एब्सेंट फ्रॉम वर्क यू कैन लीगल कम बैक टू सऊदी अरेबिया एज अ न्यू वीज़ा एज वेल, द ग्रुप बैन विल नॉट बी अप्लाई, यानी कि फाइनल एग्जिट जब आपके ऊपर इशू होता है तो 60 दिन का आपके पास टाइम होता है, 60 दिन से पहले पहले जो है आपको अपना ग्रुप हटाना होता है। जब आप अपना ग्रुप हटा लेते हैं और फाइनल एग्जिट चले जाते हैं तब फिर जो है आप न्यू वीज़े पर आ सकते हैं कभी भी, चाहे ओल्ड कफील के पास चाहे पुराने कफील के पास। तो ये भी आपको तरीका बता दिया कि अगर आपके ऊपर ग्रुप भी लगा हुआ हो तो यहाँ पे देख सकते लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे ये देखिए ग्रुप कैंसिल बाय द कोर्ट इन ग्रुप द एम्प्लॉय टर्मिनेट एंड एम्प्लॉय अंडर आर्टिकल 87 अंडर 7 फॉर बीइंग अब्सेंट फ्रॉम वर्क वेयर एंड ऑफ सर्विस आर नॉट पेड, यानी कि अगर आपका ग्रुप कैंसिल करता है कोर्ट तो आर्टिकल 87 के तहत आपका जो भी बेनिफिट होता है जो भी आपका सैलरी होता है वो पुराना कफील आपको पे नहीं करेगा। ये आर्टिकल जो 8 है ये इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना ग्रुप हटाने चाहते हैं और जो घर जाना चाहते हैं कोर्ट के थ्रू, तो जब ये काम करेंगे तो आपका जो भी पेमेंट होगा वो पुराने कफील के ऊपर आ जाता है कि वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता है। ये भी अच्छा अपडेट है, लेकिन जो भी है ग्रुप हटाने से पहले जो भी आप सोचें तो इस तरीके से सोच जरूर लें, तभी आप अपने ग्रुप के लिए सोचें। और देखिए यहाँ पे बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि आगे किस तरीके से जो आप अपना ग्रुप को हटा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। यहाँ पे जैसे लिखे हुए हैं इन केस ऑफ अनफेयर टर्मिनेशन विल यू वेयर नॉट एब्सेंट फ्रॉम वर्क यू फाइल अ लेबर केस अगेंस्ट कफील एंड प्रूव डैट, जो भी आपका ग्रुप लगाया कफील ने झूठा ग्रुप लगाया उसको जो है आपको कोर्ट में जो है प्रूव करना पड़ेगा। एक्सपर्टीज विन केस अगेंस्ट कफील फॉर लीगल ग्रुप इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन प्रूविंग द कोर्ट विल ग्रांटेड यू आर
यू ऑल द ड्यू बेनिफिट वन एवर मेक श्योर योर ट्रांसफर योर इकामा बिफोर स्टार्टिंग द कोर्ट प्रोसेसर। यानी कि जब आपका जो भी कोर्ट में अपील करते हैं, अगर आप केस जीत जाते हैं सक्सेसफुली, तो अपील आपका हार जाता है, तो उस केस में आपको जो भी पैसा होगा, सैलरी होगा, बेनिफिट होगा, जो भी आपका बेनिफिट वगैरह होगा, वो कोर्ट आपको दिला देता है। और लेकिन इसके में जो है आपको एक चीज़ और, मेक श्योर योर ट्रांसफर योर इकामा बिफोर स्टार्टिंग द कोर्ट प्रोसेस। यानी कि जो भी आपका जो इकामा ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, वो जब कोर्ट में आप केस करेंगे तो उस टाइम आप नहीं ले सकते हैं, जब ख़त्म हो जाएगा तब फिर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे दे सकते हैं, लिखे हुए हैं सोर्सेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यानी कि जो आप मैंने न्यूज़ आपको बताया वो सोर्सेज है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। मैंने अपने तरफ से एक भी बात नहीं बताया, जो भी सऊदी का लॉ है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का लॉ है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो जो भी मेरे वीडियो में इस तरह का कमेंट करते कि मैं फेक न्यूज़ बताता हूँ, या फिर जो भी यूट्यूबर हैं आजकल देख रहे हैं कि मेरे वीडियो में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं बार बार कि आप फेक न्यूज़ दे रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बाकियों की तरह नहीं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से लॉ आता है या जो भी उनके तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ट्विटर हैंडल पर, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ, उसी को पढ़ता हूँ, उसी को अच्छे से समझता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बाकियों की तरह नहीं कि सुबह सुबह उठा बस आपको ज्ञान देना चालू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अगर आपका ग्रुप लगा हुआ तो इन सारे बातों को फॉलो करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेरे वीडियो के कमेंट में ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब भी दूंगा और आपका जो है परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी जो है इस वीडियो से बेनिफिट मिले और उनको भी हेल्प हो, अगर उनके ऊपर ग्रुप हो तो आसानी से जो है वो अपना ग्रुप हटवाएँ और आसानी से जो है ट्रांसफ़र ले सकें। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो अब तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।